हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज फॉरेस्टरी में फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे अपवर्तन पे, जो प्रकाश का दूसरा भाग है। यह अपवर्तन होता क्या है? देखिए, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, यानी कि परावर्तन पढ़ा था। परावर्तन क्या था? जब लाइट यानी कि प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है और टकरा के उसी माध्यम में वापिस आ जाए, जैसे कि इस सतह पर पड़ा, इससे टकरा के वापिस आ गया, तो क्या था? परावर्तन। अब पढ़ रहे हम अपवर्तन। अपवर्तन क्या हुआ? अपवर्तन के लिए माध्यम होता है, ठीक है? अपवर्तन के लिए माध्यम होता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाए, ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपवर्तन कहलाता है। जैसे इस समय क्या है? इस समय प्रकाश है तो ये हवा में है, एयर, ठीक है? और यहां से अगर पानी में जाता है या फिर कांच में जाता है तो क्या है? दूसरा माध्यम, ठीक है? अब देखिए, अपवर्तन होता किस चीज से है? तो उससे पहले वस्तुएं देख लेते हैं। हमारे पास तीन प्रकार की वस्तुएं हैं। कौन कौन सी? आप सभी को पता है, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट। आप सभी जानते हो ये तीन वस्तुएं, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। ओपेक क्या हुआ? वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाता है। यहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है रिफ्लेक्शन, यानी कि यहां से केवल परावर्तन होगा। जैसे ब्लैक, ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, लाइट टकराएगी और वापस आएगी, ठीक है? इसीलिए हमें ब्लैक व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। हमें कोई वस्तु क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उससे प्रकाश टकरा के वापिस आ रहा होगा, इसीलिए, ठीक है? ट्रांसल्यूसेंट, यहां दोनों होता है, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी, ठीक है? लेकिन जो ट्रांसल्यूसेंट है इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है और रिफ्रैक्शन कम होता है। इसका उदाहरण बटर पेपर, ऑयल पेपर, ठीक है? जिससे क्या होता है, केवल हल्का सा प्रकाश आर पार जा पाता है, बाकी टकराता है, ठीक है? तीसरा है आपका ट्रांसपेरेंट। यहां भी रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों ही होता है। यहाँ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, अपवर्तन यहाँ ज्यादा होता है और परावर्तन कम होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ अपवर्तन कम था, यहाँ अपवर्तन ज्यादा है, ठीक है? इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया? ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूशन, ठीक है? पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी, तीन चीजें आपने देखी होंगी। अब हमारी जो भी है, जो हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं, वो हमारा पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट, इसके चारों ओर घूम रहा है, ठीक है? आप एक चीज बताइए, अगर किसी वस्तु से, मैंने यहां पे क्या लिखा, ट्रांसपेरेंट में भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दोनों ही होता है, अगर किसी वस्तु से प्रकाश आर पार चला जाए, रिफ्लेक्ट ना हो यानी कि परावर्तन ना हो, तो वस्तु क्या हो जाएगी? इनविजिबल, अदृश्य हो जाएगी, ठीक है? अगर इस मार्कर से प्रकाश आर पार जा रहा है तो ये मार्कर दिखेगा ही नहीं, ठीक है? हमें कुछ दिखता ही नहीं है। अगर हम, जैसे आपके और मेरे बीच सिर्फ हवा है, ठीक है? बीच में अगर कोई है, कुछ भी है, अगर उसे प्रकाश आर पार जा रहा है तो हमें वो चीज नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि वहां से रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन नहीं हो रहा है। हमें ऑब्जेक्ट देखने के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्शन होना जरूरी है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं। तो अपवर्तन क्या हुआ? अपवर्तन हुआ प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, अपवर्तन कहलाता है। अब माध्यम क्या हुआ, ठीक है? माना यह है पहला माध्यम और यह है दूसरा माध्यम, ठीक है? पहला माध्यम ये एयर है यानी कि हवा, और ये पानी H2O। अब आप ये देखिए, हवा और पानी अगर इन दोनों में से देखा जाए तो पानी का घनत्व ज्यादा है, डेंसिटी डेंसिटी ज्यादा है और इसकी कम है। तो जिसकी डेंसिटी कम होती है उसे रेयर मीडियम कहते हैं, रेयर मीडियम, और जिसकी ज्यादा होती है डेंसर, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम दो अलग अलग मीडियम है। अब देखिए, अगर मैं पानी और कांच के साथ करूं तो कांच क्या हो गया? ठोस। ठोस के पार्टिकल और नजदीक होते हैं, जो ठोस के कण होते हैं वो ज्यादा नजदीक होते हैं, तो और ज्यादा हो जाएगा। पानी और कांच में क्या हो जाएगा? पानी रेयर हो जाएगा और कांच डेंसर हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, ये एक तल है, प्रकाश आया, ठीक है? ये लंब है और चला गया।
प्रकाश को जाना सीधे था, यहां जाना था, लेकिन वो अंदर के लिए आ गया। ऐसा क्यों? इसका रीजन देख लीजिए। पहला रीजन, जब प्रकाश रेयर से डेंसर जाएगा, कम घनत्व से ज्यादा घनत्व वाले की तरफ, तो क्या होगा? जो लाइट है बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, जो लंब है। जब प्रकाश रेयर माध्यम से डेंसर माध्यम में जाएगा तो प्रकाश इस रेखा की तरफ मुड़ जाएगा, यहां से इधर के लिए आ गया था प्रकाश, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो लाइट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। दूसरी कंडीशन है जब उल्टा हो जाएगा, डेंसर से रेयरर की तरफ, यानी कि नीचे से अगर ऊपर के लिए जा रहा है तो क्या हो जाएगा? लाइट बेंड्स अवे, अवे मतलब दूर, फ्रॉम नॉर्मल, लंब से दूर जाएगी। यानी कि अगर प्रकाश ऐसा आया तो ये लंब पड़ा, इसको यहां जाना था सीधे, लेकिन ये यहां चला जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब डेंसर से रेयर की तरफ आएगा तो दूर जाना है, और जब रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा तो नजदीक आएगा। किसके? जो ये लाइन खींची हुई है सीधी, इसे लंब कह रहे हैं इसे, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। अपवर्तन क्या हुआ? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का जाना। अच्छा, अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसकी कौन सा गुण है, यानी कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो चेंज नहीं होती लाइट की? वो है फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी मीडियम में ट्रेवल करने में चेंज नहीं होती है लाइट की। बाकी आपकी स्पीड चेंज हो जाती है, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन क्या चीज चेंज नहीं होगी? फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आवृत्ति। चलिए, ये था आपका प्रकाश के लिए। अब अपवर्तन पढ़ रहे हैं, तो अपवर्तन के भी कुछ नियम है, ठीक है। जैसे परावर्तन के नियम थे दो, अपवर्तन के यहां पे तीन नियम है। ये कांच की स्लैब है, ठीक है। प्रकाश आया तो प्रकाश को क्या होना चाहिए था? इसको ऐसे करके सीधा जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये टकरा के अंदर के लिए आता है, ठीक है। फिर यहां पे एक और लंब, और फिर ये और ये एक दूसरे के समांतर होते हैं, ठीक है। अब जो इतनी दूरी है, ये क्या हो गया? अपने मेन पाथ से विचलन हो गया, उसका डेविएशन हो गया, ठीक है। इसके बारे में अगली वीडियो में देखेंगे, पर अभी देख लीजिए। जिससे आता है उसे बोलते हैं आई, इंसिडेंट। जिस पे जा रहा है उसे बोलते हैं आर, रिफ्रैक्टेड। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, और ये वाला कोण होता है ई। तो जो आता है और जो जाता है वो दोनों कोण बराबर होते हैं। तो देखिए, है क्या, ये क्या है? ग्लास स्लैब, ठीक है। पहला नियम, हमारे जो परावर्तन पढ़ा था, यानी कि रिफ्लेक्शन पढ़ा था जब हमने, तो उसमें फर्स्ट लॉ क्या था कि जो हमारा है इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल एक ही प्लेन पे होंगे। तो यहां भी वही है, इंसिडेंट रिफ्रैक्ट, यहां रिफ्रैक्टेड आएगा, ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, ठीक है। इंसिडेंट ये वाली हुई रिफ्रैक्टेड, और ये लंब को बोलते हैं नॉर्मल। ये तीनों एक ही तल पे हैं, एक ही तल पे, एक ही बिंदु पे, ठीक है। दूसरा इसमें होता है I बराबर एंगल E, E को बोलते हैं इमर्जेंट, निकासी, निष्कासित वाला। I बराबर E, ये दोनों कोण बराबर होंगे, और ये दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखिए, ये बराबर क्यों होंगे? अगर ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, और ये पहला माध्यम है, तब जाके ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर यहाँ पे तीसरा माध्यम लग गया तो ये कोण बराबर नहीं होगा, ठीक है। जब तक ये वापस पहले माध्यम में नहीं आई तब तक कोण बराबर नहीं होगा। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है, उसे बोलते हैं स्नेल का नियम, स्नेल लॉ, स्नेल लॉ। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि साइन आई बराबर साइन आर, ठीक है। जो इंसिडेंट है वो रिफ्रैक्टेड के बराबर है, और अगर मैं इसे रेशियो में लिखूं, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू,
इस सिंबल को आप एन से भी लिखते हो और साथ में ऐसे भी लिखा होता है ए बी या फिर ए बी ऐसा भी लिखा होता है। ये क्या चीज होती है? इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तन सूचकांक। ठीक है, क्या है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तन सूचकांक। अब इसमें बात करेंगे, ठीक है। ये स्नेल का नियम है। अब स्नेल का नियम कैसे काम करता है वो देखिए। अब देखिए एक चीज कि अगर प्रकाश, आपको अभी बताया था कि प्रकाश अगर रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर जा रहा है, मैं दो चित्र बना रहा हूं, ये डी ये आर, ये आर ये डी, ठीक है, डेंसर रेयर, रेयर डेंसर। अगर प्रकाश आया तो क्या हो जाएगा, यहां दूर चला जाएगा। अगर यहां था 30 के कोण पे तो यहां हो गया 45 डिग्री के कोण पे, ठीक। इसका उल्टा, रेयर से डेंसर, अगर मैं रेयर में ये 45 का कोण बना दिया मैंने और ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 30 डिग्री का, ठीक है। डेंसर से रेयर जाओ, रेयर से डेंसर जाओ, अगर कोण, अगर दोनों सेम चीज के, माना ये पानी है ये हवा है, ये पानी है या हवा है, तो क्या होगा, ये वाला चित्र फॉलो करेगा, ठीक है। अब जो स्नेल लॉ है इस पर कैसे बैठेगा, अगर मैं निकालता हूं म्यू डेंसर से रेयर में गया, ठीक है, तो क्या हो गया, साइन आई बटे साइन आई का मान कितना है 30 बटे साइन 45। और दूसरे वाले चित्र के लिए आ जाएगा, ये पहले चित्र के लिए, दूसरे के लिए क्या जाएगा, म्यू रेयर से डेंसर में गया साइन 45 से बटे साइन 30, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा कर दो, ये दूसरी क्वेश्चन, दोनों को मैं गुणा कर दूंगा तो क्या जाएगा, डी म्यू आर गुणा आर म्यू डी बराबर 1, क्योंकि आपस में कट जाएगी, ठीक है। ये संबंध कहीं बार प्रश्न में पूछा हुआ है, इसने लॉ का ये पूछा जाएगा इस फॉर्मेट में, चाहे इसने लॉ के नाम पे पूछा जाएगा या फिर चित्र बना के दे दिया जाएगा, कि ध्यान रखिएगा ये कई बार पूछा हुआ है, एक मार्क्स का भी आ सकता है ये, ठीक है, और प्रूफ करने के लिए भी आता है। अगर क्लास 10th की बात करें तो वहां प्रूफ करने के लिए भी आता है 3 नंबर में, और अगर कॉम्पिटिटिव की बात करें तो 1 नंबर का आ जाता है इसने लॉ पे, ठीक है। अच्छा बात कर लेते हैं अपवर्तक सूचकांक, ठीक। ये अपवर्तक सूचकांक क्या हुआ, अपवर्तक सूचकांक हुआ, ये निर्भर करता है प्रकाश की चाल पे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, यानी कि अपवर्तक सूचकांक, अपवर्तक सूचकांक की बात हो रही है, ठीक है। देखिए अपवर्तक सूचकांक, इसका सिंबल क्या था, म्यू, आपने देखा इसका सिंबल क्या है, म्यू, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, आप कैसे भी लिख सकते हो, उसका ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे भी लिखता है ए बी म्यू, ए बी ऐसे भी लिखा रहता है, ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग सिंबल यूज किए जाते हैं। ये होते क्या है, ये अगर मेरे पास दो अलग अलग मीडियम है तो आता है स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन बी मीडियम। देखिए क्या है, प्रकाश की चाल पहले माध्यम में, प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में, इन दोनों का क्या है ये रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम, दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, ठीक है, वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और ये हर एक वस्तु के लिए अलग होता है, हवा के लिए अलग है, कांच के लिए अलग है, ग्लास, दूध, दही, शहद, सबके लिए क्या हो गए, अलग अलग होगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।